सभोपदेशक अध्याय 11। सभोपदेशक अध्याय 11। अपनी रोटी जल के ऊपर डाल दे, क्योंकि बहुत दिन के बाद तू उसे फिर पाएगा। 7 वरन 8 जनों को भी भाग दे, क्योंकि तू नहीं जानता कि पृथ्वी पर क्या विपत्ति आ पड़ेगी। जब बादल जल भर जाते हैं, तब उनको भूमि पर उंडेल देते हैं, और वृक्ष चाहे दक्षिण की ओर गिरे चाहे उत्तर की ओर, तो भी जिस स्थान पर वृक्ष गिरेगा वही पड़ा रहेगा। जो वायु की सुधि रखेगा वह बीज बोने न पाएगा, और जो बादलों को देखता रहेगा वह लवने न पाएगा, क्योंकि तू नहीं जानता कि वायु के चलने का क्या मार्ग होगा, और गर्भवती के पेट में हड्डियां किस रीति से बढ़ती है। वैसे ही परमेश्वर जो सब कुछ करता है उसके काम की पूरी रीति तू नहीं जानता। भोर को अपना बीज बो और सांझ को भी अपना हाथ न रोक, क्योंकि तू नहीं जानता कि कौन सफल होगा, चाहे यह चाहे वह दोनों के दोनों अच्छे काम निकलेंगे। उजियाला मन भावना होता है, और धूप के देखने से आंखों को सुख होता है। यदि मनुष्य बहुत वर्ष जीवित रहे तो उन सबों में आनंदित तो रहे, परंतु अंधियारे के दिनों की भी सुधि रखे, क्योंकि वे बहुत होंगे। जो कुछ होने वाला है वह व्यर्थ है। हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रह, और अपनी मनमानी चाल चल और अपनी आंखों की दृष्टि से अनुसार चल, परंतु यह जान रख कि इन सब बातों के विषय परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। इसलिए अपने मन से खेद और अपनी देह से दुख दूर कर, क्योंकि लड़कपन और जवानी दोनों व्यर्थ है।